लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर निकालनी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल ई वेक्टर, तो ई की वैल्यू हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से निकाली। तो अभी तक हमने काम पॉइंट चार्ज पे किया। उसके बाद हमने एक डायपोल लिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। उस डायपोल के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया, तो डायपोल के एक्सिस के ऊपर पॉइंट को कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर हमने ई निकाला। उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे ई निकाला, तो उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और एट एनी पॉइंट भी निकाला। तो अलग अलग पॉइंट्स पर हमने ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ये हमने लास्ट टाइम किया। उसके बाद हमने दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज बनाए थे शॉर्ट डायपोल के लिए। एक्सियल लाइन में अगर ई का फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 2 p/r³, और इक्वेटोरियल में ये फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूलाज हमने डराइव किए। इसके एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये भी डिस्कस किया था कि जिसके अंदर एक रिजल्ट बनाया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो राइट की तरफ है, एंड कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर हम उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज अगर रखें तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट हमने किया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने देखा। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है उसका जो मास है वो 80 मिलीग्राम है, इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना, 2×10⁻⁸ कूलम, इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक पेंडुलम है, धागा है, और नीचे चार्ज पार्टिकल है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस धागे के नीचे चार्ज पार्टिकल हम रख दें तो वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, वो वर्टिकल होगा। अब होगा क्या, क्योंकि वो वर्टिकल होगा और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल पड़े तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और थोड़ा सा राइट या लेफ्ट चला जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये एक धागा था, चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, और इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स एक्सपीरियंस की कितनी, क्यूई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करवाई, क्यूई, जिससे चार्ज पार्टिकल लेफ्ट चला गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई। अब जब भी धागे वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और सब कुछ होता है, इसके अंदर क्या पॉइंट देखना होता है हमें, तो जितने ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाता है जब वो थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक, उसमें टेंशन आ जाती है। हमने फोर्स के अंदर भी ऐसा कुछ किया कि जिसमें टेंशन आ जाती है, तो फोर्स के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है टेढ़ी है, तो ऐसा हमने किया था, टेंशन टी आ गई, टेंशन टी, और ये थीटा, तो ये भी थीटा ऑल्टरनेट एंगल। तो टेंशन टी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि उसने कहा ये रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, उसने कहा इक्विलिब्रियम है, रेस्ट है, तो रेस्ट पे कब होगा, जब ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, एंड लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। तो यही हमने इसमें लिखा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इन्हें अगर डिवाइड कर लें दिस अपॉन दिस, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, क्योंकि आपको क्यू पता है, ई पता है, एम पता है, और जी पता है, सारी वैल्यूज को पुट करके क्या आएगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा मान लो 0.5108, अगर गलत भी आ रहा है मुझे पता नहीं, कैलकुलेशन कोई गलत आ रही है, बट जो भी आएगा आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। आपको एंगल मालूम है तो ठीक है, नहीं तो लिख दें टैन इनवर्स 0.5102, सफिशेंट है। तो एक आंसर आ गया। दूसरा, क्योंकि आपको इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है, एंड साथ में एंगल भी निकालना है। एंगल तो हमने निकाल ही लिया, टेंशन के लिए कुछ ना करो, इस थीटा जो भी आया इसकी वैल्यू को या तो ऊपर या नीचे कहीं पर भी पुट कर लो, टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, तो मैंने यहाँ गलत कर दिया, टी साइन थीटा करेक्शन करो, यहाँ पर एम जी नहीं आएगा, यहाँ पर क्यू ई आएगा, यहाँ पर करेक्शन है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई आएगा। क्लियर है यहाँ तक?
तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी नहीं है, इसी क्वेश्चन में टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, क्यू ई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन गलत है, इसको क्रॉस कर दो, अपनी कैलकुलेशन खुद करना, इसकी कैलकुलेशन गलत है आप सारी। बट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसमें एंगल निकालेंगे, कैसे इसमें हम टेंशन निकालेंगे, इक्वेशन समझ में आ रही है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा किसके साथ इक्वेट करेंगे हम इसमें। तो इसके बेस पे जैसे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस गिवन 5 × 10⁻¹⁹ एंड 20 × 10⁻¹⁹ आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर पार्ट, तो 2 मीटर पार्ट हैं ये। आगे फाइंड पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम, इनके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, तो यानी कि यहां पर नेट ई की वैल्यू क्या आए, जीरो। अब जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना होता है, प्लस 1, तो 1 रखें। अब सोचें कि अगर ये 2 है और आपको x निकालना है तो ये डिस्टेंस 2 माइनस x है, तो यहाँ पर e कौन लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, तो e कैन बी कैलकुलेटेड। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, e कैन बी कैलकुलेटेड, दोनों e ऑपोजिट होंगे और आप ये चाहते हो कि नेट e इसके ऊपर क्या आए, 0। और नेट e 0 कब आएगा, जब लेफ्ट का e और राइट का e आपस में क्या करेगा, कैंसिल। तो करें सॉल्व और x निकालें प्लीज, ट्राई करें। ठीक है, तो इसमें आप इसमें जब ट्राई करेंगे इसमें, तो जहां पर ई निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ई निकाल लेना 1/4πε₀5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस करेगा, 1/4πε₀20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x का होल स्क्वायर। और अगर आप चाहते हैं कि नेट ई क्या है, 0, तो इस ई की वैल्यू और इस ई की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेट, तो इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करें इसे, तो 1/4πε₀20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε₀5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट करें, कैंसिल करें टर्म्स को और चेक करें क्या एक्स की वैल्यू 2/3 आ रही है, आंसर। तो आपको मेथड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक। सक्षम क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जैसे हमने मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल उसी बेस पे, क्या कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे फ्लोट, फ्लोट का मतलब रेस्ट पे, रेस्ट पे फ्लोट करेगा, ई आपको गिवन है।
अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉइन में से जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो उस कॉइन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कॉइन नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट एम जी। क्यों नीचे नहीं गिरेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बचाएगी। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट करता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इसके ऊपर फोर्स ऊपर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कब आएगा? जब नीचे की प्लेट पॉजिटिव और ऊपर की नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये डायग्राम क्लियर है। देखो ये चीज़ें आपको गिवन नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं ये बनाओ, आपको मैंने बता तो दिया था कि अल्टीमेटली आप कुछ समझ में नहीं आएगा, कम से कम ये तो कर ही लोगे कि क्यू इज इक्वल टू एम जी, ये तो कर ही लोगे। पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर चाहिए होगा, ताकि क्यू इज इक्वल टू एम जी। अब चार्ज इसमें कॉइन में होगा क्या? जो चार्ज की वैल्यू है वो इसमें होगी क्यू इज इक्वल टू एन ई। मान लो एन इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो उस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो अगर आप चाहते हो कि ये नीचे ना गिरे तो क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। और चार्ज की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एन ई इन टू कैपिटल ई इज इक्वल टू एम जी। तो एन की वैल्यू निकालने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 10 इज टू पावर 9, मास कितना है इसमें? मास की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 इंटू 9.8। तो इसे सॉल्व करके एन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि एन कैसे आएगा? कोई डाउट इसमें? डायग्राम देखो, डायग्राम में अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कॉइन है, ये कॉइन पे का वेट नीचे की तरफ है, आप चाहते हो नीचे ना गिरे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑपोजिट ई के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग ई करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे सोचना है। तो क्लियर है ऑनलाइन वालों को? हो जाएगा सॉल्व? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालनी है, कहां पे? पी पे, क्यू पे, सी पे, तीन पॉइंट्स पर ई निकालो, जहां ही निकालना है प्लस वन। पहले पार्ट में आप सिर्फ पी पे निकाल लें, बस पी पे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है,
आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि डायपोल है, आपको खुद अंदाजा लगाना है देख के कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आपको इसके सेंटर पे पी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कुछ यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है। रादर मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, एक सेकेंड रुको। तो इसमें कुछ ऐसा केस गिवन है कि एक चार्ज है 10^-8 कूलम और दूसरा चार्ज है -10^-8 कूलम और ये इसका सेंटर पॉइंट है पी। तो मुझे यहाँ पर अगर ई निकालना है तो अपने मन में क्या सोचें, चार्ज कितना पड़ा हुआ है, +1, तो +1 चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस +1 को क्या करेगा अपने से दूर, रिपेल। तो ई की वैल्यू लगाएगा 1/4πε0(10^-8)/, क्योंकि ये डिस्टेंसेस भी आपको गिवन है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है कुछ ऐसे, तो डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। तो एक वैल्यू आ गई, फिर ये पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और ये नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी किया, तो एक वेक्टर यहाँ भी बनेगा, इसके ऊपर ही बनना चाहिए वैसे। तो ई की वैल्यू इसकी वजह से क्या हुई, नेगेटिव की वजह से 1/4πε0 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, पॉजिटिव ने प्लस को रिपेल किया, नेगेटिव ने प्लस को अट्रैक्ट किया, तो नेट ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/4πε0(10^-8) डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0(10^-8) मैग्नीट्यूड ही लेना है, 0.05 का होल स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम, इसे सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेट। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया, इसे सॉल्व कर लेना, 9×10^9 वैल्यू पुट करके चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है, 72,000 कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक से वैल्यू आ रही है इसकी, 72,000 टाइप ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। कितने लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स करने शुरू कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, बुक्स ले ली हैं, ठीक है। एक बुक मैं भी दूंगा आपको, 300 पेज की आ रही है, अभी प्रिंटिंग चल रही है उसकी, हाँ इट्स ओके। नहीं उसके साथ एक्स्ट्रा भी, अब देखो दो चीज़ें कर, तीन चीज़ें करनी है आपको बता देता हूँ। अगर फिजिक्स में कोई भी ढील नहीं बरतनी और आप मेंस का पेपर एकदम फुल शॉट के साथ या नीट का पेपर एकदम फुल देना चाहते हो कि आपको सारा पेपर आता हो, उसके फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले आप शीट्स करो, मेरी हैंड रिटन शीट में कॉन्सेप्ट सारा कवर्ड है। फिर सेकंड लेवल में आप ऑब्जेक्टिव शीट्स करो, जो मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो सेकंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल अरिहंत की बुक करो जैसे आप कर रहे हो, और एंड में जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप पुराने पेपर की बुक लेंगे, उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब वो तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऐसी वैरायटी किताब के अंदर आपको मिलेगी नहीं कहीं, मेंस के ऐसी बुक्स पेपर हैं, पर अभी नहीं, उसको हम एंड में रखेंगे जब एकदम फुल प्रिपरेशन हो जाती है और जब हम बिल्कुल एकदम सेकेंड राउंड में तैयारी करते हैं तो फिर पुराने पेपर करते हैं हम, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है, अभी कर लेंगे तो भूल जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, वो एंड में करते हैं ना, तो इकट्ठे पेपर करते हैं, 2022 का किया, 21 का किया, 20 का किया, तो उसमें एकदम प्रैक्टिस हो जाती है, अभी कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम है। लेकिन आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, यही तरीका है, और फिर टेस्टिंग पे आ जाएं, रिवीजन करें, टेस्ट पे आ जाएं, बस यही तरीका है। आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस फॉर्मूले को जो है फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, सारा काम थॉरो करें और इस तरीके से लेयर्स में काम करें। पहले एक लेयर करें, शीट्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर सेकंड मेरी शीट्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद अरिहंत कर रहे हैं, उसके बाद फिर पुराने पेपर कर रहे हैं। पुराने पेपर भी रहने दें, अब इतना ही हो पाएगा आपसे, आप मेरी शीट्स करें, अरिहंत करें, ये भी बहुत है, नवंबर दिसंबर तक ये भी कर लें तो बड़ी बात है। एंड मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ दोनों बैचेस में से, आप मानोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर चुके हैं मेरी रिकॉर्डिंग से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर चुके हैं, अरिहंत भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मतलब लोग एक दूसरे को बताएं या ना बताएं, मेरे से तो क्या ही छुपाएंगे, तो मेरे को तो पता ही है, डाउट्स आ जाते हैं, मैं तू कहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहुँच भी गया, अभी तो लोग फील्ड में, कहता उन्हें कर लिया, तो मतलब थोड़ा आगे भी चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी आगे चलें, मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ कम से कम साथ साथ तो चलें, क्योंकि शुरू में स्पीड मैंने कहा था 1 वीक स्लो, तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं मेरे पे प्रॉब्लम है कि पता नहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम है, ऐसा आदत नहीं हमें फिजिक्स में फील करने की। तो अभी सी चैप्टर आएगा, फिर एकदम नई चीज़ें आएंगी, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें और
इसको छोड़े नहीं, राइट, साथ साथ करें, नहीं तो फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, कवर नहीं होगा, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे क्यू पॉइंट पे निकालना है, मुझे क्यू पॉइंट पे निकालना है, देखो इसमें फिर से, अब इसमें क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, अब की बार आपको ये डायपोल है, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ई निकालना है, दो तरीके हैं, जहाँ पे ई निकालना है प्लस वन कर दें, तो ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, वो नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, पर क्यों कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी कि आप एक्सियल लाइन की डेरिवेशन कर रहे हैं, ये पॉइंट किस पे लाई करता है, डायपोल की एक्सियल लाइन पे, तो आप एक्सियल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, तो एक्सियल लाइन में ये डायपोल है, आप एक्सियल लाइन में जो डिस्टेंसेज निकालते हैं आर, वो कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर से ये दूरी है कितनी, ये इतनी दूरी है ना, इससे डबल है, तो ये पॉइंट क्लियर है, आर की वैल्यू क्लियर है, क्यू आपको पता है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला मैंने करवाया था शॉर्ट डायपोल का लगा लेते हैं, 1/4πε0 2π/r का क्यूब, 1/4πε0 2 × p क्या होता है, q into 2a divided by r cube, तो 9 × 10⁻⁹ into 2 into charge की value कितनी है, 10⁻⁸ into 2a, 2a का मतलब क्या है, ये a है और ये a है, 0.05 + 0.05 divided by r का cube, r कितने है, 2 × 0.05 का whole cube, तो क्या ये point सबको clear है, ठीक है, हमारे पास R भी है, हमारे पास A भी है, A प्लस A क्या होता है 2A, हमारे पास A भी है, हमारे पास R भी है, और हमने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो E की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, इसकी P पॉइंट नहीं, P पॉइंट पे तो चार्ज है ही नहीं ना, तीन पार्ट हैं इसके, जब पी की बात करते हैं तो प्लस वन पी पे लेंगे, जब क्यू की बात कर रहे हैं पी को भूल जाएंगे, अब प्लस वन यहाँ लेंगे, पर इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ऐसा भी तरीका है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और रिपेल करेगा, तो हमें पता ही एक्सेल है तो एक्सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, अब जब हम सी की बात करेंगे तो पी को और क्यू दोनों को भूल जाएंगे, अब सी की बात करेंगे तो ऐसे होगा, पी की वैल्यू क्यू इंटू टू ए डायपोल के लिए, तो क्लियर है यहां तक, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें ना मैंने शॉर्ट डायपोल लगा दिया, वैसे शॉर्ट डायपोल लगा के ठीक भी नहीं किया, उसका रीज़न है क्योंकि शॉर्ट डायपोल तब लगता है जब आर बहुत बड़ा होता है ए से, आर कितना है 2 × 10⁻⁵ और ए कितना है 0.0, तो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है, आंसर कई लोग कह रहे हैं ना कि आप वेरिएशन आ रहा है आंसर में, तो उन्हें शॉर्ट डायपोल लगाया जिससे कि वेरिएशन ज़्यादा आ गई, जबकि ये शॉर्ट डायपोल है नहीं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसे ही करना चाहिए कि जहां प्लस वन रखते हैं तो या तो पूरा डायपोल का बड़ा फॉर्मूला लगाओ उससे आंसर आएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो 1/4πε0 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है एक आंसर, वो नेगेटिव इस प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
और इनके बीच में दूरी कितनी है, 0.05 × 3। तो अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। तो नेट ई के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस आंसर आए। ये ज़्यादा बेटर है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन कुछ नहीं है, इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट ही आएगा। तो मैंने जो लगाया वो अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रहा है, पर क्योंकि वो पूरा शॉर्ट डायपोल नहीं है तो आंसर कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। तो ये इससे तो गलत हो ही नहीं सकता, प्लस वन रख के करेंगे, इससे गलती हो नहीं सकती कभी भी। तो ये भी ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, प्लस वन रखे और आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया और माइनस ने प्लस वन को अट्रैक्ट किया, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, शायद ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है इसके लिए, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो आंसर में वेरिएशन क्यों आया ये भी क्लियर है, तो शॉर्ट डायपोल था नहीं है। उसी तरीके से जो आखिरी पार्ट है, फिर डायपोल है प्लस एंड माइनस, तो आपने आर डिस्टेंस पे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ई निकालना है। अब वैसे तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लो, अब इक्वेटोरियल का शॉर्ट डायपोल मत लगाना, आंसर चेंज हो जाएगा। या तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा फॉर्मूला तो यार मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि डिनोमिनेटर में रेज टू पावर 3/2 है, तो पूरा फॉर्मूला लगाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हमें एक तरीका तो आता ही है, प्लस वन रख लो। तो जहाँ पर हमने ई निकालना है वहाँ प्लस वन रख लेते हैं, तो ये 0.05 है, ये 0.1 है, तो पाइथागोरस से ही आर तो आ ही जाएगा। तो जहाँ पे ई निकालना है प्लस वन, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ई आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4π ε0 10 रेज टू पावर -8 ÷ 0.1 2। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्लस ने इस प्लस वन को रिपेल किया और इस माइनस ने प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट किया। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि नेगेटिव तो लेना नहीं होता, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे इसके पैरेलल, और इमेजिन करें ये थीट है। अगर ये थीट है तो ये भी कितने थीट है, और अगर ये थीट है तो ये भी कितने थीटा, क्योंकि थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग थीटा थीटा ऑल्टरनेट। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें ये ई है, तो ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला कॉम्पोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा, दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है इसका, ई साइन थीटा। सिमिलरली इस ई के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ई कॉस थीटा, और एक नीचे जो कॉम्पोनेंट जाएगा विल बी इक्वल टू ई साइन थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट आपस में कैंसल, तो नेट ई की जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू 2e cos थीटा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो नेट वैल्यू क्या होगी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट वैल्यू क्या होगी, 2e cos थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो e की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/4π ε0 10⁻⁸ ÷ 0.1³ cos थीटा। cos थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लो, 0.05 ÷ 0.1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है, मेथड क्लियर है। इक्वेटोरियल का मत लगाना, क्योंकि इक्वेटोरियल में फिर क्यूब स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब ठीक है, ओके। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, ठीक। तो आपको ई तो आसान है निकालना, प्लस वन रखो और ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5×10⁻⁴ N/C. फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टाइम ऑफ फॉल। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर या ऐसी टाइप की प्रॉब्लम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रोड्यूस किया इन प्लेट्स पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस करके, वो आप बताएंगे कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वो नीचे गिर रहा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नीचे गिर रही है। आप कहोगे सर नीचे तो वैसे भी गिरता, मैंने कहा पूछा क्यों, तो आपने कहा वेट उसको नीचे गिरता। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं निगलेक्ट
ग्रेविटी, प्लीज ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लें, उसकी बात ही ना करें। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। कितनी हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट ही है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? ई। तो फोर्स एक्सपीरियंस इज क्यू ई। तो मुझे एक बात बताओ कि ये क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे, ऊपर कि नीचे? क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, ऊपर कि नीचे? हाँ, दोनों। क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, नीचे कि ऊपर? अच्छा, मतलब कि मैं अगर नीचे गिर रहा हूँ तो मेरे पर, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मेरे पर फोर्स लगेगी ऊपर, फिर मैं कहाँ गिरूंगा? नीचे। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा पूछा, मैंने फोर्स पूछा। तो मेरे पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? नीचे। तो मेरी फोर्स नीचे, एफ पूछ रहा हूँ, ई नहीं पूछ रहा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई, ई इंटू ई। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? नीचे, ताकि वो नीचे गिरे। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे, ऊपर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पक्का कहाँ होगी? ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये वाली प्लेट को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। एंड ऊपर वाली प्लेट को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर रहा है तो वह फोर्स कहां लगनी चाहिए? नीचे, नीचे। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। रूल क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑटोमेटिकली कहां लगेगी? नीचे। अगर यह प्रोटोन होता तो पॉजिटिव चार्ज होता, तो प्रोटॉन अगर नीचे गिरना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाता मैं? नीचे, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे डिसाइड करते हैं, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन की फोर्स नीचे है, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, पीछे सबको क्लियर है? तो ये स्टेप हो गया। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है बाय अ फोर्स ऑफ ई इंटू ई, ये रहा, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी नीचे गिरने की? फोर्स को किससे डिवाइड कर दें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो कितनी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है? इतनी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप भी क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को हमने रेस्ट से गिरा और मान लो वो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, ठीक, तो उसने एस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 4 × 10⁻²⁻²⁻ राइट, एस आ गया। तो कितने समय में वो नीचे गिरा? तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है, ½ × 80²। तो s की जगह 4 × 10⁻²⁻², हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर मैं अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैंसिल ना करता, चलो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी है, तब एक्सेलरेशन क्या होती? अच्छा, तो फोर्स क्या होती इलेक्ट्रॉन के ऊपर? क्यू ई प्लस एम जी। अगर ग्रेविटी होती तो क्यू ई तो एक्ट करता ही करता, साथ में एम जी भी एक्ट करता। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो एम जी नहीं लेंगे, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो एम जी भी लेंगे। सबको क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही करना है आपको,
एक इलेक्ट्रॉन 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, तो एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³⁻¹, वैल्यूज पुट करके आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। पहला स्टेप क्लियर। आपको ये बताना है कितना टाइम लगा उसको गिरने में, 4 सेंटीमीटर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u इज इक्वल टू 0, s की जगह 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल ली, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले एक्सेलरेशन निकलेगी, फिर मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकलेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है, आगे। अब Sir? अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को नहीं घेरना, मुझे किसे घेरना है, प्रोटॉन को घेरना है। अब प्रोटॉन की स्टोरी क्या है, अगर प्रोटॉन को घेरना है कहाँ घेरना है, नीचे घेरना है। प्रोटॉन पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, नीचे लगनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, फोर्स भी नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है। क्लियर? हालांकि ये बनाने को कहा नहीं, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक, तो मुझे पता है जब प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, क्यू ई, और एक्सेलरेशन प्रोटॉन की क्या होगी, क्यू ई बाय एम। ये देखो, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही तो होता है, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जितना नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? बोलो। फिर सारी गेम तो प्रोटॉन का मास रिलेट कर दिया। ये बहुत ही छोटे लेवल पे क्वेश्चन हो रहा है जहां मासेस को कंसिडर किया जा रहा है, मतलब बड़ी बात है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी तो क्वेश्चन है, निगलेक्ट किसे करूँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास तो लेना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऊपर क्वेश्चन है तो मास नहीं निगलेक्ट कर सकते। तो ये तो जी निगलेक्ट किया, इसमें जी निगलेक्टेड लिख लेना यहाँ पर, इन दोनों क्वेश्चन में जी इज निगलेक्टेड लिख लो, जी इज निगलेक्टेड इस दोनों क्वेश्चन में, अदरवाइज तो आप एम जी भी लोगे। ठीक है, तो मैंने तो जी निगलेक्ट किया है, तो क्यू ई बाई एम आ गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी, और टाइम निकालने के लिए एस इज इक्वल टू 0 + ½ × एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, तो सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि मास डिफरेंट है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिफरेंट है और एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो टाइम की वैल्यू भी यहाँ पर डिफरेंट आएगी। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर एक बार ये बता दो कि ग्रेविटी को निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा ग्रेविटी को निगलेक्ट करें, इसलिए। मैं नोट करवा रहा हूँ, लिखना भूल गया मैं इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा निगलेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट तो अपने आप हो जाएगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर मैं आपको एक प्लस वन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं, और वो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल। प्लस वन में एक टॉपिक करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के अंदर हम कुछ ऐसा करते थे कि सपोज करो हमारे पास ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक बॉल ली जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली वी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से वी से फेंक दिया। अब होता क्या है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टल मोशन दी है, आप चाहोगे कि हॉरिजॉन्टली ही मूव करती जाए, लेकिन ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी और ग्रेविटी इसे धीरे धीरे नीचे भी लेके आएगी, और ये आगे तो जाएगा जाएगा, नीचे भी आएगा, और अल्टीमेटली दोनों जो फोर्सेस हैं या दोनों की दोनों मोशंस, क्योंकि आपकी आप चाहते हो कि एक्स में मूव करे, ग्रेविटी चाहती है वो वाई में मूव करे, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी, और जो पाथ फॉलोड इसमें होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
और इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये पैराबोला है तो मान लो इसने वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया वाई, और एक्स एक्सिस में कितना कवर किया एक्स। तो जब भी कोई ये प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। याद है स्पीड चेंज नहीं होती एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में क्योंकि आपने इनिशियली इसको एक्स में फेंका था तो वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस में इसको इनिशियली फेंका नहीं गया था, तो वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। और फिर धीरे 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 नीचे आते 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 इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज इंक्रीज। ऐसे ही था, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से इसमें अच्छा तो क्लियर है यहां तक। तो मान लो कोई बॉडी यहां से आती है कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक है। तो टी टाइम में बॉडी नीचे आ रही है एंड कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो अलोंग एक्स एक्सिस वी की वैल्यू, वी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या आती थी, एक्स बाई वी, ऐसे किया था। और उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अंदर हम अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप टाइम की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो, ए की जगह जी और टाइम की जगह एक्स अपॉन वी, ऐसे ही होगा। और हमने याद है क्या किया था, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ऐसा कुछ किया करते थे लास्ट ईयर, ऐसा ही था, ठीक है। तो मेन बात है कि आप कौन सी इक्वेशन एक्स में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन वाई में अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करनी है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वाई में चेंज होती है। तो वाई में लगेगी एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, एक्स इज इक्वल टू वी टी, राइट। अब हम आते हैं अपने इस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब जो ये तो सिर्फ पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज करो, लेट अस सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ई ई वाई एक्सिस। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है और एंटर करता है इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल गया, एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, अब मैं ये चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर जाए, ऐसा होगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्यू ई, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, अपवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन ऊपर डायरेक्शन अपवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई बाय एम, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी ऊपर की तरफ। अब आप ये चाहते हो कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है उसे ऊपर खींच रहा है, तो अब ये सीधा भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो रहा, तो यानी कि सीधा भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। ये तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन हो गई ना, सेम टू सेम, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से मूव करेगा सच दैट इसने वाई एक्सिस में वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, एक्स में एक्स कवर कर ली, कितने टाइम में, टी टाइम में, क्लियर है यहां तक। तो वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इज
कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की क्या थी, जीरो। हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाई एम इंटू टाइम, टाइम कितना है, एक्स बाय वी का स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो एक शॉर्टकट रिजल्ट याद हो गया हमें। क्या रिजल्ट याद हुआ, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो वो स्ट्रेट जा नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इन कैसा, पैराबोलिक शेप। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट का प्रूफ है, आपकी शीट में ये लिखा हुआ है। ये देखो, व्हेन क्यू चार्ज एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन परपेंडिकुलरली, तो क्यू चार्ज एंटर करता है परपेंडिकुलरली, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो मैंने लिखा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, वी एक्स एंड वाई क्लियर है, तो मैंने इसमें क्या लिखा, एक्सेलेरेशन क्या है, क्यू बाई एम। वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई की, वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस में क्या अप्लाई की, एक्स इज इक्वल टू वी टी। इस टाइम को नीचे से ऊपर पुट कर दिया, और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो पाथ फॉलोड इस पैराबोलिक इन नेचर। तो रिजल्ट याद भी हो गया, और डराइव भी पता भी नहीं लगा, ड्राइव हो गया। तो डेरिवेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेरिवेशन तो अपने आप ही बनती जा रही है, चाहे एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे एनी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, तो डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये अपने आप ही बनती जाएंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, रिजल्ट भी याद रहेगा, ठीक, ये रिजल्ट काम आएगा आपके, ठीक। सो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? ये शीट नंबर कौन सी थी, सेवन, एट, एट। ओके, अब शीट नंबर हैंड रिटन एट। अब इसके अंदर एक पॉइंट को समझो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम पिछले एक या दो लेक्चर से, लेकिन काम सिर्फ पॉइंट चार्ज पे कर रहे हैं। पॉइंट 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 प्लस वन रख लो, इधर भी पॉइंट चार्ज, इधर भी पॉइंट चार्ज, प्लस वन रखो आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहे हैं। अब हम ई निकाल लेंगे, किसकी वजह से, किसी भी रिंग की वजह से, एक चार्ज्ड रिंग। अब रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, रिंग में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने सेम प्रॉब्लम की थी फोर्स को लेके भी की थी, याद है, रिंग वाला प्रॉब्लम किया था, और हमने रिंग की एक्सिस पे एक चार्ज रखा था जिस पे फोर्स निकाली थी हमने। उस टाइम लगा था पता नहीं क्या लेवल हो गया हमारे साथ, पता नहीं लेवल उठ गया, लेवल कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है। तो फोर्स के अंदर जो मैंने करवाया कोई लेवल उवल थोड़ा, वो तो एनसीईआरटी की डेरिवेशन थी बेसिकली, वही चीज़ फिर से करवा रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है आप रिंग की वजह से ई या फोर्स बड़े आसानी से निकाल सकें, और मुश्किल है भी नहीं। रिंग के केस में हमेशा एक रूल बताया, क्या, कि आप जो रिंग के एलिमेंट्स लेंगे वो एक नहीं लेंगे, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो लेंगे, या था हमने डिस्कस। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, एंड आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इस रिंग के एक्सिस के ऊपर ई निकालना है। जैसे ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, तो रिंग के, और ये चार्ज रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ ई निकालना है, जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज प्लस वन रखना है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला काम, अगर आपको इस पे ई निकालना है, तो ये चार्ज रिंग है, आप इसमें दो एलिमेंट्स लेंगे, एक एलिमेंट ऊपर ले लें कितना, डी क्यू, तो ये डी क्यू रेडियस रिंग का ए, आपने आर डिस्टेंस पे एक्सिस के ऊपर ई निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर डी क्यू, यहां आपने ई निकालना है, तो डी क्यू ने प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, इस डी क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया ई में, डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा है। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से एक एलिमेंट यहां ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, तो डी क्यू की वजह से प्लस वन पे ये क्या लगाएगा, रिपल्शन, तो ये भी क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, डी ई। हमने कितने एलिमेंट्स लिए, सिर्फ दो, एक ऊपर एक नीचे, तो डी क्यू ने डी ई लगाया, डी क्यू ने डी ई लगाया। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक। अब मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, तो डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा। ऐसी इस डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा। ऐसे किया था हमने, सेम काम फोर्स में किया था, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन, बट डी एफ की जगह डी। तो इसके अंदर डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट एंड डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसल। नेट ई की वैल्यू क्या आएगी, टू डी ई कॉस थीटा। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने कितने एलिमेंट्स लिए रिंग के, सिर्फ दो, हमने रिंग के दो एलिमेंट्स लिए, तो दो एलिमेंट्स लिए और दोनों ने डी ई कॉस थीटा एक तरफ कॉन्ट्रीब्यूट किया और हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो दो एलिमेंट जो लिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, टू डी ई कॉस थीटा। अगर चार एलिमेंट होते तो इस तरफ क्या आता, ई, फोर डी ई कॉस थीटा। अगर आठ होते तो आठ डी ई कॉस थीटा। अगर एक एलिमेंट होता तो सिर्फ डी कॉस थीटा। तो हर एक एलिमेंट डी कॉस थीटा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूं पूरी रिंग के लिए, तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा पूरी रिंग के लिए घुमाऊं, तो नेट ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसीलिए जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप टू डी ई कॉस थीटा की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ डी ई कॉस थीटा की करेंगे। हाँ, दो एलिमेंट इसलिए लिए ताकि डी ई साइन थीटा कैन बी कैंसल्ड बाई डी ई साइन थीटा, वो दिखाने के लिए थे कि दो एलिमेंट्स आपस में कैंसिल करते हैं उनके कॉम्पोनेंट्स। पर इंटीग्रेशन एक ही एलिमेंट का होगा, तो एक एलिमेंट लें जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस पे डी ई कॉस थीटा, तो आप यहाँ पर डी ई कॉस थीटा लिखें। डी ई की वैल्यू क्या होगी, इस डी क्यू ने इसे रिपेल किया, तो डी ई क्या होगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी ई आ गया हमारे पास, किसकी किसकी वजह से, इस डी क्यू की वजह से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस डी ई को आप यहाँ पुट करें एंड कॉस थीटा इस ट्राइंगल से लें, क्या आएगा, कॉस थीटा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने डी ई पुट कर दिया, ये आपने कॉस थीटा पुट कर दिया। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेज टू पावर 3/2। तो ये स्टेप भी क्लियर है। और आप ये एक एलिमेंट की वजह से सारी रिंग के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, चार्ज की लगेगी। अगर इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है dx, तो x की लिमिट लगेगी। अगर चार्ज है तो dq चार्ज की लिमिट लगेगी। तो चार्ज की लिमिट क्या लगेगी, टोटल चार्ज कितना है, q, तो टोटल चार्ज जीरो से q करके इंटीग्रेशन से क्या आएगा, q। तो बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है, इंपॉर्टेंट मार्क करो और टू बी रिमेंबर करो इसे। रिंग की वजह से ई की वैल्यू का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो रिंग की वजह से ई का फॉर्मूला 1/4πε0 आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू पावर 3/2। क्लियर है? फिर ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये भी पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ रिंग पे ई क्या होगा। जब आप सेंटर की बात करते हो, सेंटर ऑफ रिंग पे अगर आपको ई निकालना है तो आर को इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आर को क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो आप जब आर को जीरो लेंगे इसमें, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि एक चार्ज्ड, अगर हम रिंग लेते हैं, तो अगर एक रिंग लेते हैं, एक चार्ज रिंग है, तो एक चार्ज रिंग, एक चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट ई क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां ई निकालना है प्लस वन, तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ई को क्या करता जा रहा है,
कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिमेट्रिकल बॉडीज के सेंटर पे फोर्स भी जीरो होती है और ई भी जीरो होता है, किया था हमने। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये प्रूव भी हो गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर सपोज करो एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? उन आखिरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीच बीच में बातें भी करते हैं तो उनके लिए ठीक, और देख भी नहीं रहे फिर उसके बाद, तो उसके लिए अगर ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और ये बहुत छोटी रिंग है, छोटी रिंग, रेडियस क्या है इसका ए, और मुझे ई ढूंढना है बहुत दूर, ये रहा आर, तो वो जो एंड के स्टूडेंट हैं बहुत दूर से देख रहे हैं उनको ये रिंग रिंग नज़र नहीं आएगी, उनको पॉइंट नज़र आएगा। देखो ना कितनी छोटी है, पॉइंट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट नज़र आएगा। तो अगर पॉइंट नज़र आएगा तो आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो इसमें ए कैन बी निगलेक्टेड। तो आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, तो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रिंग इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट एप्लीकेबल है। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पॉइंट चार्ज है। अदरवाइज आएगा क्या, रिंग के सेंटर पे ई जीरो प्रूव करने को आ सकता है, एक्सिस के ऊपर ई निकालने को आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अभी अभी स्फीयर की बात नहीं करनी, वो ई जीरो फोर जीरो जीरो कुछ नहीं लगेगा। ओके, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहे हैं? यस। ओके, देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं टॉर्क के ऊपर, कि एनसीईआरटी की डेरिवेशन भी बहुत फेमस है, आती है ये वाली और नेक्स्ट वाली भी, दोनों बहुत आती हैं एनसीईआरटी में, तीन नंबर में, इसलिए न्यूमेरिकल भी आता है। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, अब टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, टॉर्क बीच में कैसे आ गया, कई लोग कहते हैं वो फिर प्लस वन आ गई, टॉर्क में इतनी भी प्लस वन नहीं आई, बड़ा बेसिक सा टॉर्क है। तो टॉर्क पहले बता देता हूँ कि निकलेगा कैसे एक लाइन में, उसके बाद फिर डाइपोल पे लगा के देखते हैं। टॉर्क की अगर बात करते हो तो हमने टॉर्क में हमने ये डिस्कस किया था प्लस वन के अंदर, कि अगर आपके पास कोई भी जैसे एक बॉल है और आप इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं F, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो F के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है R, तो टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, तो एफ इंटू आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, या आर इंटू एफ कर सकते हो, तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये बताओ कि ये बॉडी पे अगर टेंजेंशियल फोर्स एफ लगेगी तो ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा एक और क्वेश्चन है, सपोज करो एक और फोर्स लगा देते हैं, चलो यहाँ पे एक और फोर्स है, ये फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगी, सेम आर इंटू एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो ये कैसे घुमाएगी इस बॉल को, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगी, ये कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। तो अगर नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो, ये रही वो बॉल, इधर फोर्स लगाओ तो कैसे घूम रही है ये बॉल, क्लॉकवाइज। अच्छा इधर लगाओ कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक दोनों, इसमें दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है तो नेट टॉर्क क्या आएगा, आर इंटू एफ एंड आर इंटू एफ, तो टोटल क्या जाएगा, 2 इंटू आर इंटू एफ, या फिर एफ इंटू टू आर। वैसे आपको अगर याद हो तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब एक बॉडी पे लगती हैं तो उसको कपल बोलते हैं, तो ये कपल है। और ऐसे केस में जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो कपल कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स ले लो कोई भी, इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, तो इनके बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दो सीधा टॉर्क आ जाएगा। तो रिजल्ट याद रहेगा, अगर किसी भी बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो फोर्स इनटू उनके बीच में सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, सीधा टॉर्क आएगा दोनों फोर्सेस का। तो शॉर्टकट क्लियर है, इतना ही चाहिए मुझे। मेरे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पहले, तो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन प्लेट्स पे, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव 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 करके, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मानते हो ये चीज़, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन, तो ये मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डायपोल कंसिडर किया, ये एक डायपोल है, सच दैट इस डायपोल के ऊपर ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एक मैंने डायपोल को रख दिया, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस ठीक है, ठीक है। तो मैंने डायपोल को इसमें रख दिया, अब डायपोल को जब रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की, पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का है राइट, तो इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर फोर्स भी कहां लगेगी, टुवर्ड्स राइट, कितनी, एफ इज इक्वल टू कितनी, क्यू इंटू ई, क्या इस स्टेप क्लियर है, ठीक है। और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी, क्यू इंटू ई, क्या स्टेप क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, नेगेटिव चार्ज की फोर्स लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, पॉजिटिव चार्ज की फोर्स राइट है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब ये सिचुएशन है, कपल हो गया क्यूई क्यूई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो सीधी लाइन और ऐसे, ये लो ठीक, सच दैट इसके अंदर ये अगर डिस्टेंस 2a है और ये हाइट अगर y है, और इस डायपोल ने एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाया, थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये थीटा, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो y डिवाइडेड बाय कितना, 2a, तो y विल बी इक्वल टू 2a
साइन थीटा, क्या ये स्टेप क्लियर है? तो यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2a साइन थीटा, ठीक है। अब फोर्स कितनी लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट क्यूई क्यूई, और इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इन टू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू इन टू 2a साइन थीटा, तो q इन टू 2a क्या होता है, p डायपोल मोमेंट इन टू साइन थीटा, या टॉर्क इज अ वेक्टर, p इज अ वेक्टर, e इज अ वेक्टर, साइन थीटा के केस में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, p क्रॉस e। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि टॉर्क वेक्टर कैसे इसमें इसमें लगेगा, और टॉर्क इसमें लगेगा कैसे, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा। और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कहाँ होगी पी वेक्टर की, तो पी वेक्टर डायपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है आपका पी वेक्टर, पी वेक्टर, ये क्या है आपका ई वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर। तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा, क्लियर है यहां तक, टॉर्क समझ में आ रहा है क्या होगा इसमें, पी ई साइन थीटा, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसमें प्रूव किया हुआ है, वही प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, फोर्स इज क्यू ई, फोर्स इज क्यू ई, कंस्ट्रक्शन ये 2a, तो ये 2a साइन थीटा, एंगल थीटा, तो टॉर्क इज एफ इन टू 2a साइन थीटा, एफ इज क्यू ई, तो क्यू इन टू 2a इज पी, पी साइन थीटा या पी क्रॉस सी, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। कपल वाला पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ कहाँ से कैसे आया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ये डायपोल के लिए वैलिड है बस, पी आ रहा है ना डायपोल मोमेंट, अदरवाइज नहीं, ओनली फॉर डायपोल, क्वेश्चन जब डायपोल का आएगा उसी में लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा, ये हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें कुछ ना केसेस हैं, क्या केसेस हैं, आप सिर्फ एक चीज़ मुझे बताओ इसमें, अगर हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करें इसमें, कि सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं प्लेट्स लगा के अप्लाई कर रहा हूं, ये लो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लो ई वेक्टर हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक डायपोल इनिशियली, एक डायपोल जो था वो ऐसा था, ये था, ये लो ठीक है, इनिशियली प्लस क्यू एंड माइनस क्यू वाला था, तो फोर्स कहां लगी इसके ऊपर, क्यू ई, फोर्स कहां लगी इसके ऊपर, क्यू ई, तो टॉर्क लगा तो क्या होगा, टॉर्क लगा तो ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये पंखे की तरह घूमेगा, गोल 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 नहीं, ये ऐसे हो जाएगा बस, मतलब ये चाहेगा, ये डायपोल ये चाहेगा कि ये फाइनली यहां पर आके रुक जाए, सच दैट पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाए, क्यों आ जाए, वो इसलिए आ जाए ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्यू ई यहां लगे और इसकी नेट फोर्स क्यू ई यहां पे लगे, और क्यू ई कैंसिल, तो डायपोल में नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, और जब डायपोल में नेट फोर्स जीरो है तो इस पोजीशन को डायपोल की क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो मतलब डायपोल को, डायपोल ऐसे रहना पसंद करता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो आप जबरदस्ती इसको गोल घुमाओगे तो ये वापस आएगा, अपने आप नहीं उधर जाएगा, आपको घुमाना पड़ेगा,
फिर ये वापस इधर आएगा ऐसे। तो पहला पॉइंट क्लियर है। और प्रैक्टिकली जब आप इसको करोगे, किसी लैब में करोगे या सच में देखोगे, तो ये यहाँ पे जब आप इसको घुमा के छोड़ दोगे तो ऐसे फोर्सेस लगेंगी और ये इसके वापस नहीं आएंगी। कायदे से तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगी, इसको रुक जाना चाहिए, पर इनके कुछ मासेज होते हैं चार्ज के, तो इसमें इनर्शिया आ जाता है। वो इनर्शिया क्या करता है, इसको रोकता नहीं है, थोड़ा सा नीचे ले जाता है। तो इनर्शिया क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाएगा ऐसे, ठीक। लेकिन फिर फोर्स डेवलप हो गई जो चाहेगी कि ये कहाँ पे आ जाए, इसकी रेस्ट पोजीशन है यहाँ पे आ जाए। जब ये यहाँ पे था तो हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, या डायपोल जाता है यहाँ पे आ जाए। जब ये नीचे गया डायपोल जाता है यहाँ पे आ जाए, पर एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा, फिर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर आना ही यहाँ चाहता है, तो ये हल्का हल्का ऐसे मूव करेगा। तो ये डायपोल जब ऊपर करके छोड़ दोगे एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा, ऐसे मूव करेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा। ये बात की बात है, मैं प्रूव कर पाऊंगा इसे कि SHM में होगा, बाद में प्रूव करूंगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया, एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा। जैसे ग्रेविटेशन में टनल खोदते थे, एक बॉल को गिरते थे, सबको पता है कि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में जीरो है, बॉल को रेस्ट पे आ जाना चाहिए था SHM के चैप्टर में, पर थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नीचे, तो सेंटर के अबाउट ऊपर नीचे घूमती रहती है। यूट्यूब है, उसमें पानी है, तो आप धक्का मारते हो तो एकदम ऊपर नीचे मूव करते हो, इक्विलिब्रियम एकदम अटेन नहीं होता, तो उसमें मोशन, पीरियोडिक मोशन जनरेट हो जाती है, इसमें भी जनरेट हो जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये बात की बात है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, हमने अभी ऐसा पढ़ना नहीं है, पर आपको लॉजिक समझ में आ गया। मैं सिर्फ ये बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, प्लस एंड माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक। और एक डायपोल है, ये एक डायपोल है ऐसे, सच दैट इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। तो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली ये कभी ना कभी यहाँ रेस्ट पे आ जाएगा, और जब ये रेस्ट पे आएगा तो प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू, मान लो रेस्ट पे आ गया, चलो मान लो रेस्ट पे आ गया और ये सिचुएशन आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, राधर मैं इसको रब कर ही देता हूँ, मेरे को यहाँ केस डिस्कस ही नहीं करना, ये आ चुका रेस्ट पे, ऐसे पड़ा हुआ है। जब ये ऐसे पड़ा हुआ है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लग रही है, फोर्स लगेगी क्यू ई टूवर्ड्स राइट, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है अगेन माइनस क्यू ई का मॉड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रही है पूरे डायपोल के ऊपर वो क्या आ रही है, जीरो। अगर ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ऐसा रहना पसंद करता है, तो नेट फोर्स क्या आ रही है इस पे डायपोल पे, जीरो, नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये डायपोल की कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब एक और केस डिस्कस करते हैं इसी के साथ, ठीक है। मैं फिर से एक डायपोल लेता हूं, ये रहा वो डायपोल, सेम सेकंड केस इसी में ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायपोल में सपोज करो इस बार ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, उल्टा कर दिया, पहले केस में पॉजिटिव यहां था और नेगेटिव यहां था, इसमें नेगेटिव यहां है पॉजिटिव यहां है। अब एक बात बताओ, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो क्यू ई फोर्स कहां लगेगी, टूवर्ड्स राइट, और माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। तो अगर माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो क्यू ई फोर्स कहां लगेगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो क्यू ई विल कैंसल ईच अदर, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये भी कौन सी पोजीशन है इसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या स्टेप क्लियर है सबको, चाहे डायपोल ऐसा पड़ा हो तो भी नेट फोर्स जीरो, चाहे ऐसा पड़ा हो तो भी नेट फोर्स जीरो, दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई डाउट इसमें, दोनों में अब देखो क्या अंतर है। किसी टीचर ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और ये आराम से रेस्ट पे पड़ा हुआ डायपोल पड़ा था, आपके मन में पता नहीं क्या आया, मैं इसको जरा टच करके देखता हूं,
तो आपने इसको हिला दिया, आपने इसको हिला दिया हल्का सा, ये ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया। जब आपने इसको ऐसे किया क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये टॉर्क जनरेट करेगा और अल्टीमेटली ऐसे ही गिरने की कोशिश करेगा और कभी ना कभी ऐसे रेस्ट पे आ जाएगा। अगर आपने इसको हिला भी दिया कोई बात नहीं, इसमें टॉर्क डेवलप होगा, इसको वापस ले आएगा और ये इसी पोजीशन पे थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा। मानते हुए चीज़ वो तो आना ही पड़ेगा इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन जब आप इसको छेड़ोगे, जैसे ही आपने इसको छेड़ा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे, अब माइनस क्यू पे फोर्स लग गई इस तरफ, प्लस क्यू पे इस तरफ, अब इससे क्या हुआ, ये डायपोल ऐसे रेस्ट पे नहीं आया, ये उल्टा हो गया। और कैसे रेस्ट पे आ गया, माइनस इधर चला गया और प्लस इधर, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वो तो चलो हमने टिका के रखा हुआ था, पर ये ऐसा रहना पसंद नहीं करता। जब आपने इसको हिलाया तो ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर आएगा और अल्टीमेटली ऐसे ही सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ये डायपोल पड़ा हुआ था, आपने इसको पहले केस में पड़ा हुआ था, आपने हिलाया ये ऐसे आ गया। दूसरे केस में डायपोल ऐसे नहीं है, उल्टा रखा हुआ था, रेस्ट पे था, आपने इसको हिलाया लेकिन ये ऐसे आ गया रेस्ट पे, क्योंकि रहना तो ऐसे चाहता है ना रेस्ट पे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जाके रखना नहीं है कि कोई कहेगा नहीं ये लो डायपोल रख के दिखाओ, ओ सर हिल नहीं रहा, हिल रहा है, ओ नहीं नहीं हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, किताबों में है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगी तो हिलेगा नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ मैं समझ, आप सोच रहे हो प्रैक्टिकल कौन सेट करेगा इसे, कुछ नहीं करना, ठीक है? तो प्रैक्टिकली नहीं, अगर ऐसा हो जाए और अगर मैं छेड़ दूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में थी बॉडी और मैंने इसे हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया तो ये वापस उसी पोजीशन पे आया, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब बॉडी की नेट फोर्स जीरो है और आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वापस उसी स्टेट पे वापस आ जाएगी, स्टेबल। लेकिन इस केस में इक्विलिब्रियम तो ये भी था, पर जब आपने इसको हिलाया तो ये पुरानी ऊपर वाली स्टेट में वापस आ गई, इस स्टेट में कभी खुद वापस नहीं आएगी। तो था तो ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन ये कौन सा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि नेट फोर्स जीरो, आपने डिस्टर्ब किया बॉडी वहीं पर वापस आ गई, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, डिस्टर्ब किया उस पोजीशन में कभी वापस नहीं आई, कोई नई पोजीशन में वापस आ गई, तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? काफ़ी लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक सुना होगा जो मैंने रिकॉर्डिंग में भेजा होगा या प्लस वन के अंदर सुना था, तो उसमें ना वर्क एनर्जी पार को लेके भी के अंदर मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया गया था। वर्क एनर्जी पार का यूनिट देखें ना तो उसमें डिस्कस किया जाता है, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है वर्क एनर्जी पार में एफ इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी आर का एक रिजल्ट था और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो ऐसा होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इज जीरो हो गया, तो U यानी कि या तो मैक्सिमम है और या फिर मिनिमम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो। तो वो वर्क एनर्जी पार आपको ये बताता है, वो तो लंबी कहानी है यार, अगर सुनाने लग गए तो वर्क एनर्जी पार का चैप्टर सुनना पड़ेगा पूरा, तो वहाँ पर लेके नहीं जा रहा हूँ, एक लाइन में समझा रहा हूँ कि जब कोई बॉडी स्टेबल रहना चाहती है, एक्चुअल स्टेबल, स्टेबल स्टेबल मीन इस सिचुएशन में, कोई मर्जी बॉडी, जैसे एक पेंटिंग है, कोई दीवार पे आपने फोटो टांगनी है, टांग दी, आपने इसको ऊपर करके छोड़ दिया स्ट्रिंग के साथ, छोड़ा झूलती झूलती नीचे आएगी, इलेक्ट्रॉन है आपके केमिस्ट्री में, आपने एक्साइट करवा दिया, वो अल्टीमेटली सबसे नीचे शेल में जाके गिर जाएंगे, ताकि अपनी एनर्जी को क्या करें, मिनिमाइज। तो जब एनर्जी मिनिमाइज होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या रहेगी, मिनिमम मिनिमम होती है, और जब अनस्टेबल होता है तो एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसकी स्टोरी अगली बार बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन अभी करनी है की नहीं, बट अगर सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल से देखना हो तो आप याद कर सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल है तो मैक्सिमम है, ठीक है यहाँ तक? तो अनस्टेबल हो यार, वैसे भी आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, आप पेपर है, आपका पेपर है, तैयारी है नहीं, अनस्टेबल पोजीशन पे हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा कि एनर्जी लगाएं कहाँ, अनस्टेबल हो तो
पेपर की तैयारी हो चुकी है, अब आप स्टेबल हो, आपकी एनर्जी मिनिमम है, मन आपका एकदम शांत है। तो स्टेबल अनस्टेबल ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में नहीं चलता, ये हर जगह चलता है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर यही इसमें एक्सप्लेन्ड है, केस नंबर वन कि थीटा टॉर्क में, टॉर्क में थीटा एंगल किसके किसके बीच में, पी और ई के बीच में है। तो अगर मान लो ये डायपोल पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां पर है, नेगेटिव, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और साफ पता लग रहा है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो टॉर्क इसमें क्या डेवलप होगा, जीरो, वो घूमना पसंद ही नहीं करेगा, वो तो पहले स्टेबल है, स्टेबल में क्यों घूमेगा, वो स्टेबल में वो किस पे रहेगा, एट रेस्ट। तो देखो पी में और ई में एंगल क्या है, जीरो, तो टॉर्क भी क्या है, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? और अब इधर चलें, अगर सपोज करो केस नंबर टू ऐसा हो, ये रहा, सच दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, और डायपोल ऐसा है, डायपोल ये रहा, सच दैट डायपोल मोमेंट दैट इज नेगेटिव से पॉजिटिव एंड ई वेक्टर में एंगल कितना है, 90। तो उस केस में टॉर्क क्या होगा, पीई साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क होगा 90 डिग्री में, मैक्सिमम टॉर्क होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम यानी कि जीरो टॉर्क होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा सारा, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन पी एंड ई इज जीरो। देखो ना सिचुएशन है, तो मैंने भी ये बताया कि ई वेक्टर कहां पर है, राइट है, राइट है, पी वेक्टर कहां पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो मैंने बताया ना, जब ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कहां पर जा रहा है, राइट है, तो यानी कि ये नेगेटिव प्लेट होगी कहीं ना कहीं, और ये पॉजिटिव प्लेट होगी कहीं ना कहीं, पॉजिटिव प्लेट है, राइट, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो देखो ना, ये फोर्स ऐसे लगेगी QE, ये फोर्स ऐसे लगेगी QE, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने क्या बताया, P में एंड E में एंगल हमेशा क्या बनेगा, जीरो। तो ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा ना कि बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में P और E में एंगल क्या बनता है। पहले तो यही नहीं लोगों को पता होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पेपर तो बड़ी बात की बात है। तो अब हमें पता है स्टेबल क्या है, हम अपने मन में डायग्राम बना सकते हैं और P और E में एंगल निकाल सकते हैं। अनस्टेबल उल्टा होता है, अनस्टेबल में पी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है लेकिन ई वेक्टर राइट की तरफ ही होता है, पी और ई के बीच में एंगल क्या बनता है, 180 बनता है। तो याद रहेगा 0 और 180। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ये, तो चलो अभी थोड़ा ये नहीं करेंगे, अभी अगली बार करना है एनर्जी हमने। सब्जेक्टिव शीट नंबर थ्री, सब्जेक्टिव शीट नंबर थ्री, पहला क्वेश्चन, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल किया था, ये वही न्यूमेरिकल है। ठीक है, शीट में कर लिया हमने, बताया था मैंने मिलिकन ने कैसे काम किया, mg is equal to QE वाला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू 4 सेंटीमीटर, आज किया ना, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गया 4 सेंटीमीटर, फिर प्रोटॉन गिरा था 4 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेंडुलम वाला क्वेश्चन करवाया, ये स्ट्रिंग वाला, क्यूई टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, सेम। नेक्स्ट है डायपोल के क्वेश्चन करवाए थे, एक्सियल पे ई निकालो और इक्वेटोरियल पे ई निकालो, लास्ट टाइम याद होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आज किया था, x और 2-x वाला, जब डिस्टेंस उनके बीच में क्या आया था, 2/3 मीटर, जहां पर नेट ई जीरो था, ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ क्वाइन, तो आज करवाया क्वाइन से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। ऐसे किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉल कर रहा है, सेम क्वेश्चन, ठीक। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। टेंथ क्वेश्चन करना है, टेंथ करना है, इलेवेंथ करना है, टेंथ एंड इलेवेंथ। दोबारा देख देखो, डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो ये ना आपको समझ जाना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, 4×10⁻¹⁰ मीटर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, डायपोल बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको क्या निकालना है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता है आपको, 3×10⁻¹⁵ कितनी, 5। एंगल आपको पता है, थीटा की वैल्यू आपको पता है 30। आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया, PE sin of 30। पी का फॉर्मूला क्या होता है, Q×2A×E×sin of 30। तो क्यू चार्ज कितने है, 1.6×10⁻¹⁹। और 2A तो डायरेक्ट हमें गिवन ही है, 4×10⁻¹⁰ कितना, -10। और E की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, 3×10⁻¹⁵ कितनी, 5×sin of 30 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, टॉर्क आ जाएगा।
ठीक है, ठीक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ए नहीं, टू ए। डायपोल में जो डिस्टेंस होता है वो टू ए होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 4×10⁻¹, ये टू ए गिवन है, ए नहीं गिवन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो वो टू ए होता है ना डायपोल में, ए थोड़ी ना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज ट्राई करो। नेक्स्ट, इसमें ना बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं। इसे प्लस वन का ही क्वेश्चन है, ये प्लस टू का तो है ही नहीं। तो इसमें प्लस टू का तो एफ ई यूज होना है, क्यू इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100, मास गिवन है 1 मीटर, चार्ज पता है। तो आपको इसमें ये निकालना है कितने टाइम में ये बॉडी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर फोर्सेस देखते हैं क्या एक्ट कर रही हैं इस पे। तो फोर्सेस के लिए देखो, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से आगे देखो प्लीज, इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक। पहला पॉइंट, यहां पे एक इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। और कितना एक्ट करेगा, इज इक्वल टू एम जी। ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, 30 जो भी है। अब मुझे पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट इसमें क्या होगा, जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा ये थीटा, तो एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक इस तरफ होगा कितना, एम जी साइन थीटा, ठीक हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसका, एन। ये रहा पहली फोर्स, क्लियर है? दूसरा, ये बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एड करेगी, ऑपोजिट। तो ये स्टेप भी क्लियर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट एड करेगी, ठीक है। यहां तक ये एंगल क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30 डिग्री। ये हाइट कितनी गिवन है, 1 मीटर। तो 1 मीटर, तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो एस। तो इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/s। साइन 30 हाफ होता है, तो यहां से एस कितना आ गया, 2 मीटर। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, टुवर्ड्स राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है यहां तक?
और इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कर रहा है, टूवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड कहाँ करेगी, टूवर्ड्स राइट। क्या स्टेप क्लियर है? अब ये भी तो फोर्स बनेगी क्यू ही, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? अब ये थीटा है तो यहां से इसके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे क्यू के, क्योंकि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये 30-30 कॉरस्पॉन्डिंग। तो QE के दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, पहला कॉम्पोनेंट आएगा QE cos of 30 और दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा इसके अलॉन्ग QE sin of 30। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फोर्सेस समझ में आ रही हैं? एक फोर्स है MG, एक फोर्स है QE, MG के भी कॉम्पोनेंट्स, QE के भी कॉम्पोनेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही ऊपर। क्लियर है यहां तक? अब ये बॉडी कहां आ रही है? नीचे। नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है? MG sin 30। कौन अपोज कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड QE cos 30। तो एक्सेलरेशन निकालनी हो तो नीचे की फोर्स कितनी है? MG sin 30 माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस QE cos of 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है यहां तक? तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्सेस, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है यहां तक? मतलब ऐसे करेंगे, ये फोर्स नीचे की फोर्स है, ये पीछे की फोर्स है, ये भी पीछे की फोर्स है, तो लॉज ऑफ मोशन क्या कहता था कि नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें एन निकालना होगा, एन की वैल्यू किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के इक्वल है, तो एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू ई साइन ऑफ थीटा। तो इस एन की जगह आप यहां पुट कर दें, इस सारी वैल्यूज को पुट करें तो क्या आएगी? एक्स, सब कुछ गिवन है, एम पता है, क्यू पता है, ई पता है, सब पता है, लंबी कैलकुलेशन है, तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन आ गई तो एस इज इक्वल टू बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने 2 मीटर कवर की, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, यहां से क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो आए या ना आए मुझे पता नहीं, आएगा नहीं, बट ये प्लस वन रिवाइज जरूर करवा देगा आपकी, कौन कौन सी फोर्सेज हैं, क्यों ही है, नहीं है, वो क्या होगा मालूम नहीं, क्या पता आ भी जाए यार, हम किसी को क्या बोले हैं, क्योंकि जिसको बोलते हैं आएगा नहीं, आएगा नहीं, फिर अनएक्सपेक्टेड पेपर में वो आ भी जाता है। ठीक, तो आप मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, अपने विश्वास रखेंगे और सारी तैयारी करेंगे। ठीक, अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं, बनाने वाले की मर्जी है, क्या कह सकते हैं, क्यों ही दे देगा, क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं पता। तो हर बार नया ही पेपर बनता देखा हमने, पुराने पेपर कभी देखे नहीं, मिलते जुलते हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही हो सकता है लेकिन पेपर नहीं आता है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, वो ना कुछ अलग टॉपिक पे है थोड़ा सा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व किया गया बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर SHM, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM के लिए ओके ये क्वेश्चन तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे ही करेंगे। प्लस वन में एक टॉपिक किया था SHM, सारा तो नहीं करवा सकता पर क्वेश्चन सॉल्व जितना मुझे करना है उतना करवा सकता हूँ। तो हमने ये एक SHM किया था जिसको लीनियर SHM बोलते हैं। लीनियर SHM की जो इक्वेशन है वो पहले भी बताई थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, शीट नंबर 10 है वैसे ही आपकी। तो जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम को कैसे SHM में प्रूव करते थे कि पेंडुलम को राइट इधर ले गए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम की क्या है? माइनस mg sin थीटा। तो ये फोर्स पेंडुलम को नीचे लेके आती है और एंगल क्योंकि छोटे लेते हैं sin थीटा को थीटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये टर्म आती है। और एंगल इज आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू y बाय l पुट करके
एक्सलेशन प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एस एच एम की इक्वेशन नीचे रख के ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, वहाँ से टाइम पीरियड आता है। इसके अंदर जो डिस्प्लेस आपने करना नहीं है, ये ऐसी कुछ सुनना है सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट जो ली वो वाई ली, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस जो एक्सलेशन ली वो लीनियर एक्सलेशन ली ए। सेम क्वेश्चन को प्रूव किया गया पेंडुलम के, जिसमें कि ये एक्सिस माना, इसके अबाउट ये मूव कर रहे हैं, ये वेट इसका फोर्स है और ये एल है, ये एल साइन थीटा है, तो इसमें टॉर्क क्या जनरेट हुआ, एम जी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एल साइन थीटा, ये टॉर्क जनरेट हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब सेम क्वेश्चन मैंने किया विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसके इक्वल है। अब इसका अगर मास एम है तो टॉर्क क्या होता है, आई इंटू एल्फा, टॉर्क इज आई एल्फा का फॉर्मूला किया था, तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का होता है एम एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर या एम एल स्क्वायर, एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, सॉल्व करके एल्फा आ गया, तो एल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले जो काम मैं लीनियर एस एच एम में करता था, लीनियर एक्सेलरेशन में करता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में करता था, अब सारा काम मैं एंगुलर में कर रहा हूँ, एंगुलर एस एच एम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये टाइप का मोशन को बोलते हैं एंगुलर एस एच एम, जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट होता है और बॉडी रोटेट करती है। तो यहाँ से ये इसे कंपेयर करके ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 2π/T, और यहाँ से ये आंसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जब हम लीनियर एस एच एम की बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, जब एंगुलर एस एच एम की बात करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। जब कोई बॉडी मूव करती है इस तरीके से तो ये लीनियर मोशन नहीं है, ये एंगुलर मोशन है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे, फोर्स ही निकालेंगे। आपकी असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, एक वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है और एक जो आज शीट्स दी है मैंने, शीट नंबर सिक्स, ऑब्जेक्टिव 6 और 7 भी आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है, इसके डाउट्स नेक्स्ट टाइम क्लास में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो वो क्वेश्चन जो पेंडिंग लास्ट रह गया इसका, और अगली दो शीट्स ये सारा आपका होमवर्क है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ऑनलाइन वाले जा सकते हैं। थैंक यू सर। आप ये ऑब्जेक्टिव शीट ग्रुप में भेज सकते।